हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, मेरे चैनल मनीषा के दिनचर्या ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बाड़ी झाड़ी घूमने आई हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये फूल देख रहे होंगे दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, हो सके कुछ कुछ को मालूम नहीं भी होगा, ये फूल नैनवा का फूल है दोस्तों। तो कितना सुंदर दिख रहा है। तो आज मैं सोच रही, मैं फूल देखी तो मैं सोची कि क्यों नहीं आप लोग को इसका कुछ बना के दिखाती हूँ। इसका चटनी बहुत मस्त बनता है दोस्तों, तो मैं सोची कि आज आप लोग को इसका चटनी खिलाती हूँ। सो दोस्तों, ये हम लोग के बारे में ही है। इसका ये देखिए दोस्तों, ये फूल हुआ और ये कली है, तो ये कली भी ले लेंगे और जितना सारा फूल है, ये देखिए ये कली है, तो जितना फूल है ले लेंगे हम, सारा तोड़ लेंगे और फिर इसका बनाते हैं हम लोग मस्त चटनी। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो मिस कर दीजिएगा तो फिर चटनी का मज़ा नहीं ले पाइएगा दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और चलिए अभी मैं तोड़ लेती हूँ, फिर चटनी कैसे बनाते हैं आप लोग को दिखाती हूँ, और साथ में मिल के खाएंगे दोस्तों। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, चटनी बनाइएगा और मस्त खाइएगा, पर वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा, नहीं तो चटनी मिस कर दीजिएगा। बहुत मस्त ज़बरदस्त चटनी लगता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, ये देखिए इस तरह से है, तो इस तरह से मैं सारा तोड़ लूँगी। तो दोस्तों, जो नए दोस्त लोग हैं, नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोग तक पहुँचे, आप लोग तक आती रहे। तो इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और साथ में मिल के कुछ कुछ इसमें नया नया तरीका डाल के डिश बनाते हैं। और वैसे मैं इसका पहले भी चटनी बनाई हूँ दोस्तों, पहले भी इसका चटनी खा ली हूँ, बहुत मस्त बनता है, इसलिए मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो दोस्तों, इसी तरह से देखिए सारा मैं तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। बंद कर दो। सो दोस्तों, ये देखिए लगभग मैं सारा तोड़ ली हूँ, अब चलिए इसको ठीक से साफ कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें चुट्टा फुट्टा है, इसको ठीक से मैं साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इसको ठीक से झाड़ के लीजिए, इसमें अधिकतर चुट्टा रहता है, कीड़ा बहुत कम रहता है, चुट्टा ज्यादा रहता है, इसको ठीक से झाड़ के ले लीजिए। सो दोस्तों, ये देखिए मैं सारा ठीक से झाड़ ली हूँ, और एक बार मैं धो भी ली हूँ, और फिर और एक बार मैं इसको धो लेती हूँ, इसको ठीक से मैं धो लेती हूँ एक गर्म पानी में, और ये दो मिर्ची साथ में, और थोड़ी सी लहसुन है दोस्तों, सारा ठीक से धो लेती हूँ। इसका ठीक से पानी निकल जाना चाहिए दोस्तों। मस्त लग रहा है पीला पीला देखने में, और इसका चटनी भी उतना ही जबरदस्त होता है दोस्तों। अब मैं उधर कढ़ाई गरम कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ये हुआ कढ़ाई गरम, और इसमें मैं धो के जो रखी थी ये मैं डाल देती हूँ। इसमें कुछ नहीं डालना है दोस्तों, अभी तेल उल कुछ नहीं डालना है, ऐसे इसको भूनूंगी। धीमी आंच पे भूनेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, ये देखिए
भूनते भूनते इस तरह से हो गया है और इसको हल्का हल्का सटा है पर जला नहीं है। इसको निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए मैं सारा निकाल ली हूँ और इस जार में मैं सब डाल देती हूँ और इसको दर दर आती सुनूंगी ऐसे करके आप लोग को चटनी खिलाती। तो दोस्तों ये देखिए इसको मैं ठीक से पीस लेती हूँ। वाह तो दोस्तों ये देखिए इसको बीच में ठीक से चला लीजिए। हाँ हाँ रुक जाना, इसको बहुत ज़्यादा भूंगे थे ना, बहुत सूख गया। सो दोस्तों बीच बीच में इसको ठीक से चला लीजिए और इसमें अभी ही स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। मैं देखिए दोस्तों ये बन के रेडी है, चलिए आप लोग को टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बना। सो दोस्तों ये देखिए इसमें मैं सारा चटनी निकाल ली हूँ, लगभग इतना मैं एक चम्मच तेल डाली हूँ, भरपूर एक चम्मच, और इसको ठीक से मिला लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा हम लोग घर में थोड़ा सा सरसों का चटनी रेडी किए हैं, इसको मैं थोड़ा सा ले लूँगी और इसको मैं चख के बताती हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिए। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूंगी, कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।